बुधवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किए जाने के लिए अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षा अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच भक्तराज राम त्रिपाठी के नेतृत्व में कर्मचारी शिक्षक और अधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। पेंशन बहाली की मांग कर रहे शिक्षक अधिकारी और कर्मचारियों ने कहा कि 3 दिन के लिए कार्य बहिष्कार करके हम लोग धरने पर बैठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। हमारा आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अध्यक्ष पेंशन बहाली मंच भक्तराज राम त्रिपाठी ने कहा, इसी कम रहेगी, यानी जो 50,000 मंथली पा रहे होंगे, अचानक आपको एक आकाशवाणी आएगी कि हे साथी सावधान हो जाओ, अगले महीने से एक भी नहीं मिलने वाला। मैं अपनी बात बताना चाहता हूं कि हम अध्यापक उत्तर प्रदेश के दबते हैं नहीं दबाने से। आपको पीस करके बालू बना देंगे। कांगड़ा में हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं तो मैं अपनी बहनों से करते हुए सर्वप्रथम आपको स्थान देगा। जय हिंद। लोगों को बोलना है उनके लिए आप ना हो, चार प्रचारक हूँ तो प्रचार अपना हम लखनऊ से देकर गोरखपुर आ रहा हूँ, उनसे हमारी मोहब्बत कभी कम नहीं होगी, कम नहीं होगी। भाई आप, मैं बता रहा हूँ, ये भर जाएगा पूरा प्रदेश सफाया हर गंदगी का, मगर तक अगर सफाई काम ना हर गंदगी का हमारा भाई साफ करेगा चाहे जो किसी प्रकार का हो। अभी हमारे अध्यक्ष जी और लगातार 3 दिन चलना है, अभी तमाम कार्य बहिष्कार 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार के प्रथम दिन मैं भक्तराज राम त्रिपाठी, शिक्षक अधिकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली मंच अध्यक्ष जनपद गोरखपुर। आज कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच केवल एक मांग को लेकर के 3 दिवसीय धरना है, जिसमें 10 से 12 बजे तक हमारे कर्मचारी शिक्षक सारे साथी काली पट्टी बांध के अपना कार्य बहिष्कार किए हैं और 12 बजे से 3 बजे तक हम अपने विभिन्न तहसील मुख्यालयों पर, ब्लॉक मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए धरना दे रहे हैं। 31 तारीख को हम इस धरने का पत्रक उत्तर प्रदेश शासन के और भारत सरकार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को देने का काम करेंगे। अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो 8 अक्टूबर को लखनऊ की सड़कों को भरेंगे, उसके बाद भी नहीं सुनी गई तो 25, 26, 27 अक्टूबर को महाहड़ताल की घोषणा होगी। इसके बाद भी अगर ये सरकार हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो निश्चित रूप से आने वाला 2019 का चुनाव इनके लिए भारी पड़ेगा और उत्तर प्रदेश का कर्मचारी शिक्षक अधिकारी राजनीतिक निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि ये दोहरी व्यवस्था कतई इस भारतवर्ष में नहीं चलने पाएगी कि इनके विधायक और मंत्री पेंशन लें और भारतवर्ष का कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पेंशन विहीन रह के रहे, जो 40 वर्षों तक समाज की सेवा करता है अपने गाढ़े पसीने से, गाढ़े वर्क से इस भारतवर्ष का, इस उत्तर प्रदेश का विकास करता है और उसको इससे महरूम कर दिया जाए, ये कतई उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष का अधिकारी शिक्षक कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा।